हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शगुन्स किचन। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है मसाला डोसा और सांभर की रेसिपी। आप इसमें देखेंगे कि हमने कितने कम ऑयल और इंग्रेडिएंट से सांभर बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं आपको डोसे मिक्सर के बारे में बताती हूँ। इसके लिए ये 200 ग्राम चावल है, ये एक कटोरी फूल ली थी, ये 100 ग्राम उड़द की दाल है और एक छोटा चम्मच यानी कि आधा टीस्पून मेथी दाना है। इसके लिए हमें जो चावल है वो मोटा लेना चाहिए, बासमती या लॉन्ग ग्रेन राइस नहीं लेना चाहिए। जो लॉन्ग ग्रेन राइस होता है वो अंदर तक ग्राइंड नहीं होता, उसका थोड़ा दाना रह जाता है, और जो डोसा होता है वो मोटे चावल का ही स्वाद बनता है। तो रात को इसको यानी कि राइस को और मेथी दाना को अच्छे से धो के अलग से भिगो दिया और उड़द की दाल को अलग से भिगो दिया। सुबह उठकर मिक्सर ग्राइंडर में सबसे पहले उड़द की दाल पीस लेनी है, इसको ठीक पेस्ट बनाना है और थोड़ा ही पानी डालना है। इसको एक बर्तन में इसमें निकाल लिया। उसके बाद मिक्सी में ये जो दोनों भिगोए हुए थे इनको ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर देना है। इसमें आप थोड़ा पानी डाल सकते हो, क्योंकि बाद में हमने इसको पतला करना है, इसलिए हमें बीटिंग के टाइम भी दिक्कत ना हो इनको मिक्स करते समय, उस टाइम भी थोड़ा थोड़ा पानी डाल लीजिए। ये दोनों मिक्सचर इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। बर्तन स्टील का इसलिए लिया ताकि इसको अच्छे से वार्म प्लेस पे हीट मिल सके और ये फर्मेंट हो सके। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये इसको ढक के ऊपर से गर्म कपड़ा डाल के वार्म प्लेस पे रख के फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। बाद में अगर हमें लगेगा कि मिक्सर थिक है तो उसमें हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालते जाएंगे। अगर हम पहले ज़्यादा थिन कर देंगे तो फर्मेंटेशन के बाद ये और भी पतला हो जाता है, तो हमें डोसा बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए अब सांभर की तैयारी शुरू करते हैं। डोसे का मिक्सर हमने फर्मेंट होने के लिए रख दिया है। इसके लिए ये एक कटोरी दाल के लिए है। तो अब सही मायने में पता लग रहा है कि लॉकडाउन का क्या मतलब होता है। तो नॉर्मली हम जो कुछ डालते हैं लाइक ड्रम स्टिक्स, गाजर, घिया, वो सब कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि बहुत कम चीज़ों में भी कैसे बनाएंगे हम सांभर। ये दाल ले लेंगे, मेरे पास थोड़ा सा पम्पकिन है, इसको मैंने काट लिया, और साथ में ये बैंगन, ये काट के इसमें डाल देंगे। ये दाल धोकर स्ट्रेन कर लिया, इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही हम ये बैंगन और पम्पकिन काटा हुआ इसमें डाल देते हैं। थोड़ा नमक डाल देते हैं, बाकी बाद में डालेंगे, और हल्दी डाल लेते हैं। इसके साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। पानी खुला डालना है, तकरीबन 3 टाइम्स डाल दीजिए, क्योंकि दाल फूलेगी तो ये पानी भी कम रहेगा, बाद में हमें और डालना पड़ेगा। तो इस मिक्सचर को दाल और सब्जियों के हम गैस पर रख देंगे और 3 सीटी आने तक गैस पे रखेंगे। जब 3 सीटी आ जाएगी तो इसको बंद करके ठंडा होने देंगे। हमने अपनी कुकर को गैस पर रखा हुआ है, इसके एक विसल आने पर हम इसको स्लो कर देंगे, तो उसके बाद दूसरी और थोड़ी सी तीसरी विसल आने देंगे। तो सांभर को तड़का लगाने के लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है सरसों दाना, ये 1 टीस्पून है, जीरा ये 1 टीस्पून है, इमली का पल्प, इमली को घोलकर उसको साफ करके स्ट्रेन करके रखा हुआ है, ये 6 बड़े चम्मच है। अगर आपको कम या ज़्यादा चाहिए तो आप अपनी इच्छा अनुसार चेंज कर सकते हैं। नमक मिर्च स्वाद अनुसार डालेंगे। सांभर मसाला भी 4 टीस्पून चाहिए, ये भी आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सांभर मसाले में मिर्च होती है तो हमें दूसरी मिर्च की मात्रा कम रखनी चाहिए।
ये मेथी दाना है, ये स्प्राउट किया हुआ है, 1 टीस्पून है, 15 कड़ी लीव्स हैं और ऑयल हम जरूरत के अनुसार डालेंगे। तेल अपनी जरूरत के अनुसार डालिए, इसमें बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं है। ये सांभर हम बहुत कम तेल में बनाएंगे, लाइक 2 चम्मच के करीब है। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं सरसों। सरसों क्रैकल होने लग गई है, इसके साथ ही डालते हैं जीरा, साथ में करी पत्ता, अब डालते हैं मेथी दाना, इसके साथ ही हमारे सांभर वाले कुकर के विसल की भी आवाज आ रही है, लगता है वो भी तैयार हो रही है और हम इसका गैस इतनी देर में बंद कर देंगे। नमक 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी 1/2 छोटा चम्मच, धनिया 1 छोटा चम्मच, सांभर मसाला 4 चम्मच, 4 छोटे चम्मच हैं ये, अब हम इसमें डाल देते हैं इमली का पल्प। इसको उबलने देते हैं और इन द मीन टाइम सांभर को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल इसमें लेके, 1/2 चम्मच तेल है, इसमें 2 लाल मिर्च डाली हैं। ये लाल मिर्च हम तड़के में भी शुरू में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बाद में अलग से फ्राई करके इसमें डाल रही हूँ। घी बिल्कुल थोड़ा सा ही लीजिए। हमारे अरहर की दाल सब्जियों के साथ उबल कर तैयार हो गई है। यह प्रैक्टिकली मैश हो जानी चाहिए, 100% नहीं, टू द ट्यून ऑफ 80% ये मैश हो जानी चाहिए। बिल्कुल दाना दाना नहीं रहनी चाहिए और बिल्कुल बारीक मैश भी नहीं हो जानी चाहिए। तो अब इसको जो हमने तड़का तैयार किया उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। हमने दाल को और तड़के को मिक्स कर दिया, इसको धीमी आंच पे उबलने देंगे ताकि फ्लेवर्स भी मिक्स हो जाएं और जो थोड़ा बहुत दाना है दाल का वो भी मिक्स हो जाए। तो जो वेजिटेबल्स हैं वैसे तो घुल गई हैं, अगर आपके बच्चे और घर के पसंद नहीं करते बड़ी वेजिटेबल्स तो आप इनको मैश कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसकी सीजनिंग चेक कर लीजिए, आपको जो कुछ भी लगे चेंज इसमें करनी आप इस टाइम कर सकते हैं, एडिशनल जो डालना हो इसमें डाल सकते हैं। तो इसको धीमी आंच पे अब हम 15 मिनट के लिए सिमर करने देंगे ताकि ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए
और सांभर अच्छे से कुक हो जाए। हमारी सांभर तैयार हो चुकी है, डोसे का बैटर भी फर्मेंट हो गया है, तो अब हम डोसे के लिए मसाला बना लेते हैं। ऐसे मुझे पर्सनली तो पेपर डोसा ही पसंद है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मसाला डोसा पसंद है तो उसके लिए हम मसाला बना लेते हैं। ये हैं 3 मीडियम टू लार्ज उबले हुए आलू, 2 मीडियम प्याज चॉप किए हुए, थोड़े से कड़ी पत्ते, 1 छोटा चम्मच सरसों, ये मटर हैं, थोड़े से ही हैं क्योंकि आजकल सारा सामान कम अमाउंट्स में मिल रहा है तो हम यूज़ भी थोड़ा ही कर रहे हैं। ये 2 मीडियम साइज टमाटर प्यूरी किए हुए, ये सांभर मसाला ज़रूरत अनुसार यूज़ करेंगे, नमक मिर्च इसमें से ज़रूरत अनुसार इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई गैस पर रख दी है, इसमें हम थोड़ा सा तेल एज यूजुअल 2-2.5 चम्मच डाल देते हैं। इसमें हम डाल देते हैं सरसों, कड़ी पत्ता, ये हल्के से चटकने लगे हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज, हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो फाइनली चॉप करके हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही। हमने 1 मिनट अपने प्याज को भून लिया, अब इसमें मटर डाल लेते हैं। आप चाहें तो सीजन की वेजिटेबल्स और भी डाल सकते हैं। मटर को पहले मैंने माइक्रोवेव कर लिया था थोड़ी देर के लिए ताकि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद डालते हैं टोमेटो प्यूरी और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं नमक, अपनी इच्छा अनुसार डालिए। मैं 1/3 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच आमचूर और थोड़ी सी वाइट पेपर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच एंड 1/2 छोटा चम्मच सांभर मसाला डाल दिया। अभी ये हल्का हल्का गीला है, बहुत नहीं सुखाते, इसी में ही आलू डाल देते हैं। आलू बॉईल करके मैश किए हुए हैं, मोटे ही काटे हुए हैं, मोटे ही रखे हुए हैं, ज़्यादा बारीक नहीं किए हुए। अगर लगता है कि स्टफिंग में दिक्कत होगी तो हम आलूओं को मैश कर सकते हैं। हम आलू को दूसरी साइड पे कुक होने के लिए सिम पे रख देते हैं और अपना डोसा बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डोसा मिक्सचर फर्मेंट हो गया, फूल गया, देखिए कैसे लाइट हो गया। तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार इस बाउल में ले लेते हैं और बाकी को एक तरफ रख देते हैं। आप सारे में नमक वगैरह मत डालिए, जितना ज़रूरत है उतने में थोड़ा नमक डाल के यूज़ कीजिए। देखिए हमारी सांभर बनकर तैयार हो गई है। इसको हमने और पानी डालकर अच्छे से उबाला था ताकि ये पक जाए, सब्जियां मिक्स हो जाएं। सब्जियां भी अब साबुत साबुत नहीं लग रही, तो इसको अब हम एक बाउल में पलट लेते हैं। इस मिक्सचर में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, तवा हमारा गर्म हो चुका है।
और ये मैं रूटीन अपना जो लोहे का तवा डे टू डे लाइफ में यूज करती हूँ वही इस्तेमाल कर रही हूँ। ओनली ट्रिक इज कि ये तवा अच्छे से क्लीन होना चाहिए। और पहला डोसा यूजुअली ठीक नहीं बनता, आप खुद ही पहला डोसा अपने आप इसमें मैटर डाल के उसको स्प्रेड कर दीजिए, उसके सिकने पर तवे को उसी से ही अच्छे से साफ कर लीजिए तो बाद में दिक्कत नहीं होती। तवा गर्म होना चाहिए लेकिन सेक बिल्कुल स्लो होना चाहिए। आप सर्कुलर मोशन में ऐसे लेके जाएं, आगे आगे बढ़े, उसको वापस नहीं लेके जाना। ये देखिए मैंने डोसे को हिलाया नहीं, कुछ नहीं किया, हल्का सा ऑयल किया था ताकि ये क्रिस्प हो जाए, तो ये अपने आप ही सेपरेट हो रहा है। मसाला डालने से पहले मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट इसमें मिर्ची की चटनी लगा रही हूँ। आप भी चाहें तो कोई भी मनपसंद चटनी सॉस डिप इस पर लगा सकते हैं। इस दौरान गैस को बिल्कुल सिम पर रखिए और इसकी स्टफिंग कर दीजिए। लीजिए हमारा एक डोसा बनकर तैयार हो गया। हमारा मसाला डोसा और सांभर बनकर तैयार हो गया, तो आप भी इस डिश को घर ट्राई कीजिए, खाइए, खिलाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कि जब हमारे पास बहुत कम सामान है तो हाउ टू मैनेज।